देश के प्रथम केंद्रीय गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को पूरे देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विभिन्न जनपदों में रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें सभी जिलों की पुलिस टीमों ने उत्साह के साथ भाग लिया। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है। हाथरस में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस व नगर के क्षेत्राधिकारी द्वारा पुलिस व पीएसी बल के साथ एकता पैदल मार्च निकालकर राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को सुदृढ़ करने का संदेश दिया। फिरोजाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के निर्देशन में जनपद में समस्त थानों और पुलिस लाइन पर रन फॉर यूनिटी मिनी मैराथन रेस का आयोजन किया गया और साथ ही सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। थाना रामपुर में मथुरा पुलिस द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर वाहन रैली निकाली गई और जनमानस में एकता और सुरक्षा की भावना बनाए रखने का संदेश दिया। आगरा में भी आईपीएस दीपक कुमार द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण करके पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सरदार पटेल के आदेशों पर चलने की शपथ दिलाई। अलीगढ़ में डीआईजी सलभ माथुर द्वारा परिक्षेत्र कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही कन्नौज, सरस्वती, कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, जालौन, हरदोई, हापुड़, बिजनौर, औरैया, बहराइच और गाजीपुर सहित उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों की पुलिस द्वारा रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। पटेल की जयंती के अवसर पर पुलिस लाइंस फिरोजाबाद में एकता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे पुलिस के जवानों ने प्रतिभाग किया। ये एकता दौड़ हमारी पुलिस लाइन से प्रारंभ हो करके मेन रोड पे गई, उसके बाद फिर कलेक्ट्रेट से होते हुए पुनः पुलिस लाइन पे आके समापन हुआ है। आज की एकता दौड़ का मैसेज यही है कि जिस प्रकार हमारे देश के लौह पुरुष और सबसे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो एकीकरण के लिए जो कार्य किया था, एकता के लिए जो उन्होंने कार्य किया था, उनको हम लोग याद करें, साथ ही साथ उनसे प्रेरित हों और जो भी हमारे भेदभाव हैं उसको भी हम मिटाएं और एकता के सूत्र में हम सारे लोग बंधे, उसी उद्देश्य को लेकर के आज ये एकता दौड़ कराई गई है। आज के दिन हम लोग ऐसे महापुरुषों को याद कर रहे हैं तथा उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं।